हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीरजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जब एक लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। वो भी कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन शादी होने के बाद सपने में बदलाव आ जाता है। फिर आ जाता है कि हमको सबसे अच्छी हाउसवाइफ बनना है, पति की पसंद का खाना बनाना है, बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चे हो जाते हैं, सास ससुर की सेवा करनी है, सबको खुश रखना है, सबकी खुशी के लिए सब कुछ पीछे छोड़ देना है, अपने बारे में सोचना बंद, सबको खुश रखना है। बस अब एक ही मकसद है कि ससुराल में सब लोगों को गर्व हो, पति को हो कि हमको ऐसी पत्नी मिली है, हमारे सास ससुर को हो। और माँ तो अच्छी सबकी होती ही है, कोई बात ही नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन उस अच्छी वो हाउसवाइफ होने के चक्कर में हम बनते हैं, दिल से बनते हैं, लेकिन फिर भी किसी का दिल नहीं जीत पाते। और धीरे 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 एहसास दिलाया जाने लगता है कि कुछ भी नहीं आता। जिनके लिए सब कुछ छोड़ दिया वो ही ये बोलेंगे कि कुछ भी नहीं आता, केवल खाना बनाना आता है, और आता ही क्या है, आप पढ़े लिखे लोगों से पीछे हो जाते हो, आपकी वैल्यू कम होने लगती है। कहीं ना कहीं अब आपको यह एहसास धीरे धीरे होने लगता है कि जो हमारा फैसला था वो गलत था, बहुत सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया। अफसोस तो नहीं होता कि क्योंकि सब हमारे अपने हैं, हमने सबके लिए किया है। अफसोस इस बात का होता है कि इन सब परिस्थितियों के बीच में हमने खुद को क्यों नहीं याद रखा। सबको याद रखते रखते हम खुद को कैसे भूल गए, कैसे कर दी इतनी बड़ी गलती, नहीं करनी चाहिए। सबके लिए समय दीजिए लेकिन अपने लिए समय देना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आपका जो सपना था उसे पूरा करिए, थोड़ा समय ही दीजिए पर दीजिए, ठीक है, धीरे आप सक्सेस होंगे, लेकिन हो जाएंगे। लेकिन अपने आप को भूल करके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अपने खुशियों को, अपने भविष्य को जरूर ध्यान में रखें, वो आपका साथी है। तो आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है नीरजा त्रिपाठी 203। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।